नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं डी न्यूज। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी सार में विभिन्न पार्टियां यात्रा के मोड में आ चुकी हैं। जी हां, इस कड़ी में जहां बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बेरोजगारी यात्रा निकालने की तैयारी कर चुके हैं, वहीं उनके जवाब में लोक जनशक्ति पार्टी ने भी यात्रा का ऐलान किया है। लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से इस यात्रा की कमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान संभालेंगे। वहीं चिराग पासवान ने अपनी यात्रा का नाम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट दिया है। जानकारी के मुताबिक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की यात्रा 21 फरवरी से शुरू होगी। चिराग ने अपनी यात्रा को लेकर एक टीम बनाई है जिसे विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई है। इस यात्रा को लेकर कोई कोर कसर न रहे, इसके लिए चिराग ने पार्टियां के प्रधान महासचिव से लेकर प्रवक्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी है। चिराग की यह पहली यात्रा है, ऐसे में उन्होंने इस यात्रा की सफलता के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने 23 फरवरी से बेरोजगारी हटा यात्रा पर निकालने का ऐलान कर दिया है। इस यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव द्वारा एक हाईटेक बस भी बनवाई गई है जिसमें बैठकर वो पूरे बिहार की यात्रा करेंगे और रोजगार समेत शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। चुनावी साल में विभिन्न दलों द्वारा यात्रा की शुरुआत के साथ ही बिहार में राजनीतिक तापमान भी बढ़ने लगा है।